स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। स्थान का ऐसे बड़ा प्रभाव होता है, जिस समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी, बहुत ध्यान से सुनना, प्रसंग याद आ गया मुझे, वन की यात्रा कर रहे थे। एक स्थान ऐसा आया, उस स्थान की मिट्टी जब लक्ष्मण के चरण से लगी या उस स्थान पर जब जैसी चरण रखा, पैर रखते ही लक्ष्मण के मन के विचार बदल गए। और क्या विचार बदले? राम जी तो आए वन में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, सीता जी आई हैं उनकी पत्नी है, मैं कितना मूर्ख नंदू, मैं क्यों आया, और आया तो मैं अपनी पत्नी को लिया था, मेरी पत्नी भी घर पर और मैं यहां, और 14 वर्ष तक रहेंगे ऐसे, और मुझे 14 वर्ष तक सोना भी नहीं है, नारी का संग नहीं करना है, ये संकल्प ले लिया मैंने पिताजी मां के सामने, मैं क्यों आया। अब राम तो परमात्मा है, परमात्मा सबके घट में विराजमान है, सबके घट घट की जाने। अब राम जी जान गए, बोले लक्ष्मण के अंदर मन में क्या हो रहा है, बेईमानी आ गई। अब राम जी ने कहा, लक्ष्मण हाँ भैया, बोले इस स्थान की जरा मिट्टी ले लो, मिट्टी उठा ली, बोले इसे बांध कर जेब में रख लो, कोई पोटली वोटली वहां नहीं, रख लिया जेब न होगी, कोई पीतांबर आदि में लपेट लिया होगा, और जब तक वह मिट्टी रही तब तक लक्ष्मण के मन में अंतर्द्वंद की स्थिति चलती रही। फिर आगे बढ़े, वो स्थान निकल गया। राम जी ने कहा, ऐसा करो भैया लक्ष्मण, यहां विश्राम कर दें, और ये जो मिट्टी है तुम्हारे साथ जो पोटली है इसे अलग रख दो, इधर रख दी, जैसे मिट्टी हटी आहा, लक्ष्मण रोने लगे, राम के चरण पकड़ लिए। राम जी बोले, क्या हुआ भैया? लक्ष्मण क्या हुआ? भैया मेरे मन में विकार आ गया, बहुत भयंकर विकार आ गया, मुझे क्षमा कर देना। राम जी बोले, लक्ष्मण गलती तुम्हारी ना है। बोले और वह स्थान ही ऐसा था, उस स्थान की मिट्टी ही ऐसी थी, उस स्थान पर, उस स्थान की मिट्टी में कलह के, द्वेषता के कण थे, इसलिए तुम्हारे मन पर उसका प्रभाव पड़ गया। लक्ष्मण बोले, भैया मैं समझा नहीं। अब एक कथा आती है, यह आध्यात्मिक रामायण में राम जी ने बताया है, लक्ष्मण दो भाई थे, एक का नाम था सुंद, एक का नाम था सुनंद, और दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, बड़ी सुंदर जोड़ी थी, बिना एक दूसरे के तो भोजन ही नहीं लेते थे, इतना प्रेम था दोनों भाइयों में, और रहना भी चाहिए भाई, होना भी चाहिए। और दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा दोनों भाइयों से, आप परम पुरुष वरदान मांग लो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो दोनों भाइयों ने कहा कि हमें हमारा प्यार हमेशा बना रहे और हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए दोनों भाइयों। बोले भाई ये नहीं चले, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी, कोई शर्त लगाओ। तो कहा ब्रह्मा जी एक वरदान दे दो। बोले क्या? कि हमको इस संसार में कोई आदमी मार ही ना पाए, यदि हमारी मृत्यु हो तो दोनों भाई आपस में जब लड़े ना, एक दूसरे के प्रहार के द्वारा दोनों भाइयों की मृत्यु होनी चाहिए, अन्यथा न हो। अब ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, अब उनको मालूम है प्रेम से रहते हैं, और प्रेम बढ़ा लिया। बोले जब तक हमारा दूसरे एक दूसरे के प्रति कोई आक्रमण नहीं होगा तो हमारी तो मृत्यु नहीं होगी। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, अब वो अराजकता फैलाने लगे। अब भगवान ने सोची भाई इनकी तो मृत्यु करनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने एग्रीमेंट कर रखा है, वो गड़बड़ हो जाए। बोले फिर अब भगवान के पास में तो जब यहां की सरकार पर नई नई योजनाएं, तो वो तो बहुत बड़ी सरकार है। अब योजना निकाली
और ऐसी महाराज दिमाग में बात आई भगवान की, बड़ी सुंदर नारी का रूप बना दिया। अभी ठाकुर जी नारी बहुत अच्छी बन जाएगा, वो मोहिनी बनेंगी, देखो आगे सुनेंगे। हाँ सर, और वहीं फजीते वहीं पे। अब नारी बन गए भगवान, और नारी बनकर के सुंदर सुंदरी, और बड़े भाई के पास में पहुंच गई। बोले मैं तुमसे प्रेम करूं, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारा जो बड़ा भाई छोटा भाई है ना, वो मुझे अपनी जबरदस्ती रानी बनाना चाहता है। अच्छा बोले हाँ। और उधर से निकल गए भगवान, पहुंच गए छोटे भाई के पास में, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। बस ऐसे चिंगारी लगा, और दोनों भाई क्रोध में आ गए एक दूसरे के प्रति, और दोनों भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर दिया, और दोनों भाई मारे गए। जिस स्थान पर वो दोनों भाई मारे थे, वह यह वही स्थान था लक्ष्मण, वही मिट्टी का स्पर्श होते ही तुम्हारे मन में अंतर्द्वंद होने लगा था, और जब तक वह मिट्टी रही तब तक तुम्हारे मन में ऐसा विकार आता रहा, और मिट्टी हट गई तो वह विकार भी हट गया। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है।